बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट से मैं इरफान जमशेद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का टॉपिक है गॉज़ेज़ लॉ। गॉज़ेज़ लॉ क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। यानी अगर किसी भी जगह पे कोई चार्ज मौजूद है, वो जितना भी मौजूद है, वो जिस मर्जी शेप में मौजूद हो, अगर आप उसके गिर्द एक गलाफ चढ़ा दें, आप उसके गिर्द एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लें, या वो रियल हो या इमेजिनरी हो, उस क्लोज सरफेस से जितनी फ्लक्स लाइंस उसमें से बाहर जा रही होंगी, वो फ्लक्स लाइंस पता दे रही होंगी उसके अंदर मौजूद चार्ज का। तो लिहाजा अगर आप टोटल फ्लक्स जो उसकी बाउंड्री से क्रॉस हो रहा है, अगर आप उसको मालूम कर लेते हैं, तो आप आसानी से मालूम कर लेते हैं कि उसके अंदर चार्ज कितना है। जैसा कि यहाँ तस्वीर में आपको एक चार्ज दिखाया गया है जिसमें से फ्लक्स लाइंस बाहर निकल रही हैं। अब ये चार्ज जितने कूलम का है, उतने कूलम की फ्लक्स लाइंस ही इसमें से बाहर निकल रही हैं। तो एक तरीका ये था पुराना कि हम बराह रास्त जाके चार्ज मालूम कर लें चार्ज डेंसिटी के जरिए से, और दूसरा आप तरीका ये है कि हम फ्लक्स लाइंस को काउंट कर लें और फ्लक्स को काउंट कर लें। अगर आप सरफेस पे फ्लक्स मालूम कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर चार्ज कितना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, जो इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। वो असल में उस सरफेस के अंदर मौजूद सारे चार्ज के इक्वल है। अब मजीद इसको जो है मैथमेटिकली हम देखते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पे फिगर 3.2 दिखाई गई है। और इस फिगर में क्या किया गया है कि काफी सारे चार्जेस हैं जो एक क्लाउड की शक्ल में हैं, ठीक है, और उस क्लाउड की शक्ल के चार्जेस के ऊपर हमने एक सरफेस ली है। अब ये जो सरफेस है, इसकी एक शर्त पूरी होनी चाहिए, और वो ये है कि ये सरफेस क्लोज होनी चाहिए, किसी सूरत ये कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए। अब ये सरफेस किस शेप में हो, ये कोई मैटर नहीं करता। आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है, ये एक बड़ी अजीब सी शेप में मौजूद है इस वक्त। तो ये इसलिए बनाई गई है ताकि आपको ये पता चले कि ये सरफेस किसी भी शेप में हो सकती है, ये जरूरी नहीं कोई स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, बस ये क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो चार्ज है वो यहाँ पॉइंट चार्जेस की शक्ल में मौजूद है, और अब ये जो सरफेस है, ये कोई रियल मटीरियल की सरफेस भी हो सकती है, जैसे इसके ऊपर कोई टिन हो, जैसे इसके ऊपर कोई कवरिंग हो, कोई किसी भी मेटल की कोई बॉल हो, या कोई टिन हो, या ये भी हो सकता है कि ये सरफेस जस्ट इमेजिनरी सरफेस हो, ये कोई भी सरफेस हो सकती है। बहरहाल हमने जितना भी चार्ज अब इसके अंदर मौजूद होगा, जितने कोलम का चार्ज मौजूद होगा, उतना ही चार्ज जो है फ्लक्स पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा करेगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाहिर है इस चार्ज से बाहर की तरफ सफर तय करेगा, यानी इस सरफेस से बाहर की तरफ निकलेगा। लिहाजा सरफेस से जो चार्ज फ्लक्स बाहर निकल रहा है, उसकी सरफेस के ऊपर जो डेंसिटी है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ उसको डी से जाहिर किया गया है। अब ये जो डी है, इसका बेसिकली दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। जो फ्लक्स लाइंस इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, उनका ऐसा भी मुमकिन है कि वो सरफेस के साथ नॉर्मल हों, और ये भी मुमकिन है कि कोई सरफेस के साथ टेंजेंशियल हो, या कोई भी दरमियानी दूसरा एंगल बना रही हो। अब आप ये बात याद रखिएगा कि जो फ्लक्स लाइन सरफेस से बाहर निकल रही हैं, जो तो बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस हैं, वो असल में डीएस कंपोनेंट है, और ये वो कंपोनेंट है जो हमारे लिए मैटर करता है। इक्वेशन में आप देखेंगे कि इसके सिर्फ यही कंपोनेंट जो है वो इक्वेशन में वजन रखेगा, जबकि अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है डी का, फ्लक्स का, जो टेंडेंशियल टू द सरफेस है, तो बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इसी तरह दरमियान में जितना एंगल जो है, अब ये कम होगा उतना ही अच्छा है, और जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही उसका असर कम हो जाएगा। बहरहाल हम बेसिकली सिर्फ उसके फ्लक्स के उस कंपोनेंट को गिनेंगे जो बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस है, वो डी एस है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बजाय इसके कि सारी की सारी सरफेस के ऊपर एक ही वक्त में देखें कि कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, आप ऐसा करें कि आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एरिया ले लें, यानी कि आप पूरी सरफेस में से
एक छोटा सा पैच ले लें, छोटी सी पट्टी आपने ले ली, ये जो छोटा सा पैच है इसका लेंथ इनटू विड्थ यानी एक सरफेस है, उसका डेल्टा एस यानी वो डेल्टा एल्स एक सरफेस है। अब आप ये याद रखिएगा, जो हमने सरफेस ली है इस सरफेस की मैग्नीट्यूड तो डेल्टा एस है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन भी है, यानी अगर हम बात करेंगे पैच की डायरेक्शन थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पैच की ओरिएंटेशन है। और इसकी जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है कि पैच के ऊपर जो नॉर्मल है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। जो पैच के ऊपर नॉर्मल ड्रा करें तो वो जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल है उसके साथ ये अलाइन होना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये पैच जो है ये सरफेस के साथ बिल्कुल ही टेंजेंशियल होना चाहिए। और ये पैच में ओरिएंटेशन भी मैटर कर रही है और मैग्नीट्यूड भी, लिहाजा पैच बेसिकली ये क्या है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एरिया, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो सरफेस के साथ टेंजेंट बना रही है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि सरफेस के ऊपर नॉर्मल की, तो नॉर्मल जो है वो सरफेस के अबाव भी हो सकता है और अबाव सरफेस से बिलो भी हो सकता है, ठीक है, वो दोनों अतराफ में हो सकता है। तो लिहाजा जब लफ्ज इस्तेमाल आउटवर्ड किया जाएगा तो आप समझ जाएं कि फिर पैच से सिर्फ बाहर निकलने वाला नॉर्मल ही हमारे यहाँ यहाँ पे नॉर्मल है, हम दूसरे को कंसिडर नहीं कर रहे। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस पॉइंट पी हमने लिया है, इस पैच के ऊपर जो है हमारा जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स डी एस है, और हम इस डी एस जो है ये एक एंगल बना रहा है किसके साथ, इस सरफेस के साथ, और ये सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि इस सरफेस के ऊपर कितना फ्लक्स जो है वो गुजर रहा है, अगर इस फ्लक्स को मालूम करना है तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम बेसिकली क्या कर लें, प्रोडक्ट ले लें इस डी एस का डेल्टा एस के साथ, तो हमें इस जगह का फ्लक्स मालूम हो जाएगा। फ्लक्स क्रॉसिंग इज देन द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी एस एंड डेल्टा डी एस। तो लिहाजा टोटल जो फ्लक्स है जो इस छोटे से पैच का, इस डिफरेंशियल पैच का जो डिफरेंशियल फ्लक्स है, दैट्स फ्लक्स क्रॉसिंग डेल्टा एस, ये जो डेल्टा एस के को क्रॉस कर रहा है वही है। अब ये जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, हमने पहले कहा है कि हमें उसको डी एस वाला कंपोनेंट लेंगे, नॉर्मल वाला कंपोनेंट, ठीक है, लिहाजा क्योंकि ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट है लिहाजा ये कॉस के साथ आएगा, तो डी एस कॉस थीटा डेल एस। तो लिहाजा ये दूसरे लफ्जों में एक तरह से डॉट प्रोडक्ट आ गया है, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक जो है वो फ्लक्स डेंसिटी है, दूसरी तरफ जो है ये सरफेस है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी दोनों के मैग्नीट्यूड इनटू द एंगल बिटवीन बोथ, तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट आ गया। और ये बेसिकली जो इस छोटे से पैच का फ्लक्स है, इस छोटे पैच का छोटा फ्लक्स या डिफरेंशियल पैच का डिफरेंशियल फ्लक्स है, वो दैट्स इक्वल टू बिटवीन द डॉट प्रोडक्ट यानी द फ्लक्स डेंसिटी इनटू द सरफेस इनटू द डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ दैट एरिया। तो अब हमारे पास एक छोटे पीस के वाले से हमारे पास फ्लक्स आ चुका है, हम सारी सरफेस का फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं। जब आपके पास डिफरेंशियल चीज आ गई है और पूरी सरफेस को आपने लेना है, तो सारी सरफेस के लिए आप सरफेस इंटीग्रल ले लें, और अगर हम इंटीग्रेट करें सरफेस के हिसाब से, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सारे का सारा फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। तो यही अब हम करने जा रहे हैं, और हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे के पूरे सरफेस को, और ताकि हम सारे एलिमेंट्स को मालूम कर सकें। तो आप देखें जब हमने इंटीग्रल लिया है तो ये डिफरेंशियल जो है ये डिफरेंशियल कट गया इंटीग्रल के साथ, और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लक्स ही बचा है, और ये फ्लक्स टोटल फ्लक्स है। और दूसरी तरफ देखें डॉट प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रल लगाया है, अब ये बेसिकली क्लोज इंटीग्रल है, ये बात याद रखिएगा कि ये सर्कल बेसिकली क्लोज इंटीग्रल को शोर कर रहा है। तो क्लोज इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं। और अब एक बात जो बहुत खास है वो ये है, हमारे इस इक्वेशन को दोबारा से एक दफा देख लें। अब ये जो इंटीग्रल है ये बेसिकली क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। इससे पहले जब हम चार्ज मालूम करते थे वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम इन्वॉल्व था वहां हमें वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल लेना पड़ता था, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल लेना पड़ता था। आप खुद समझें, अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है और वहां पे आपको ट्रिपल इंटीग्रल लेना है तो ये बात मुश्किल है, उसकी नस्बत डबल इंटीग्रल लेना आसान होता है। तो लिहाजा अब इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज मौजूद है वो जिस मर्जी शक्ल का हो, वो जिस मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम का हो, हमें इस बात से अब कोई गर्ज नहीं है। उसके अंदर पड़ा हुआ चार्ज किसी, आप समझे कि एक आपके पास की है और वो चार्ज है, या कोई वहां बॉल है और वो चार्ज है,
या वहां पे ग्लास है, कोई भी चीज वहां पड़ी हुई है, जिस मर्जी शेप की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो सिर्फ सरफेस पे इंटीग्रल लेना, लिहाजा वो सरफेस का इंटीग्रल ही आएगा। लिहाजा अब हम सिर्फ सरफेस को देखेंगे। अगर हमारे पास फर्ज करें कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सिर्फ वो मुमकिन है दो जो डी एक्स डी वाई के दरमियान हो, या सिलेंड्रिकल में मुमकिन है कि वो रो और रो डी फाई के दरमियान हो, डी फाई एंड रो डी फाई के दरमियान हो, डी रो फाई के दरमियान हो, या फिर इसी तरह से आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, स्फेरिकल में कोई भी दो। बेसिकली ये सर्फसिस हैं, और सर्फसिस क्या है, कोई सी भी दो लेंथ्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये वो वाले सर्फेस आ जाएगी। तो ये उन सर्फसिस पे क्या है, आप ले सकते हैं गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और ये इसका आसानी अब हमारे लिए ये हो गई है कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हों तो हमें अब लेना सिर्फ डबल इंटीग्रल ले पड़ेगा। तो डबल इंटीग्रल लेना जो है वो खासा आसान है बनिस्पत ट्रिपल इंटीग्रल के। और क्लोज सरफेस कन्वेंशन के लिए इंटीग्रल के साथ जो है वो सर्कल का सिंबल डाल दिया जाता है। ये जो सर्कल है ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल है, यानी कि जो सरफेस शो की गई है इससे वो क्लोज है। दूसरा एस लिखने से ये बात बता दी जाती है कि ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सरफेस इंटीग्रल है, यानी हकीकत में ये इंटीग्रल डबल है, ये डबल इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है कि आगे मजीद वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। तो लिहाजा आप इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, फॉर्मुलेशन है इसकी गॉसेस लॉ की, और वो कहती है कि टोटल चार्ज जो इंक्लोज है वो बेसिकली टोटल फ्लक्स जो है, अगर आप उसको टोटल सरफेस के साथ उसका प्रोडक्ट ले लें तो इस तरह से आपके पास ये टोटल चार्ज आ जाएगा। वैसे जो चार्ज इंक्लोज है, अगर वो पॉइंट चार्जेस की शक्ल में है तो वो सारा जो है इस तरह आप हर एक जो आपके डिस्क्रीट चार्जेस हैं उनको सम आप करें तो टोटल चार्ज आ सकता है, या लाइन चार्ज में आप देखें आप सारे का सारा जो है वो रो एल जो है वो पूरी जो है वो डी एल के साथ आप उसको इंटीग्रेट करके आप लाइन चार्ज निकालते थे। इसी तरह सरफेस में आप ट्रिपल इंटीग्रल के साथ आप जो है वो रो वी के साथ जो है वो चार्ज को मालूम करते थे। तो लिहाजा इससे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर में चार्ज मालूम करते थे, वहां हम बेसिकली चार्ज डेंसिटी मालूम होती थी, और चार्ज डेंसिटी को बेसिकली हम लेके हम उस पूरे वॉल्यूम के साथ जो है वो ट्रिपल इंटीग्रल के साथ डील करते थे। लेकिन अब हमारे लिए आसानी ये पैदा हो गई है कि हमें ट्रिपल इंटीग्रल के बजाय अब वही जो चार्ज है हम वो डबल इंटीग्रल के साथ मालूम कर रहे हैं, और हमें किसकी मदद से, इस गॉसियन सरफेस की वजह से, और गॉसियन सरफेस ने हमारे लिए ये बहुत आसान बना दिया है। और लिहाजा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ये है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज। किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो पता दे रहा है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। अगर किसी भी क्लोज सरफेस से 10 फ्लक्स बाहर आ रहा है, 10 यूनिट फ्लक्स बाहर आ रहा है, या 10 कूलम फ्लक्स बाहर आ रहा है, आप समझ जाए 10 यूनिट, अगर 10 कूलम बाहर आ रहा है इसका मतलब उसके अंदर 10 कूलम चार्ज मौजूद है। तो ये कहता है कि छोड़ो अंदर घुस के चार्ज को ना देखो, उसकी उसकी डेंसिटी को ना देखो, आप उसकी ओरिएंटेशन को ना देखो, आप बाहर से ही देख लो कितना बाहर आ रहा है, बस जो बाहर है वही बाहर से ही अंदाजा लगा लो कि अंदर चार्ज कितना है। तो एक बहुत बड़ी आसानी है, और इस आसानी का जिक्र बेसिकली फैराडे ने भी किया था। और आपको पता होगा कि फैराडे के पास बेसिकली दो स्फीयर थी, एक छोटी स्फीयर थी और उसके बाहर उसने एक बड़ी स्फीयर ली थी, और उस स्फीयर बेसिकली दो हेमी स्फीयर थी जो आपस में खुल जाती थी। और उसने भी यही कहा था कि अगर आपके पास इनर जो चार्ज है और इनर जो स्फीयर है उसकी छोटी स्फीयर जो अंदर है उसके ऊपर या उसके सेंटर में कोई भी चार्ज हो, और आप इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान में कोई भी इमेजिनरी सरफेस ले लें, तो जितना भी चार्ज अंदर मौजूद होगा इमेजिनरी सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो उसके इक्वल होगा। तो इस तरह की बात जो है वो इसने भी की थी, और उसका ये कहना था कि जितना चार्ज, जितने कूलम चार्ज आपके पास अंदर इनक्लोज होगा उतने ही कूलम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस को क्रॉस करेगा। और अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर अगर अंदर के वो जो अंदर वाली सरफेस है या जो भी शेप है वो बेसिकली फर्ज करें एक डोर की चाबी से ही, एक ब्रास डोर की की है और उसके ऊपर चार्ज है, और आप उसके ऊपर क्या करें, उसके ऊपर कोई भी आप कैन रख दें, ठीक है, आउटर जो है वो एक कैन रख दें, तो जो भी चार्ज उस ब्रास की के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस कैन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये वो जो कह रहा था कि ये जो चार्ज ट्रैवल करता है ये बेसिकली फ्लक्स ट्रैवल करता है, ये वही फ्लक्स है जिसको हम जो है आप फ्लक्स की मदद से उस चार्ज का अंदाजा लगा लेते हैं। और यही बात का यहाँ पे भी उसने बयान किया है मिसाल के जरिए से। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।
मज़ीद वीडियोस के लिए आप पेज सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।